तो शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। प्राचीन शिव मंदिरों में भक्त पूजा पाठ कर भोलेनाथ को खुश करने में जुटे हुए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको ऐसे शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे जिसकी वजह से बांध बनाने की जगह बदलनी पड़ी। खास रिपोर्ट देखिए। देपालपुर का ये प्राचीन शिव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। इस शिव मंदिर की महिमा भी निराली है। मंदिर में बने इस शिवलिंग के लिए बांध को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ी। दरअसल यशवंत सागर डैम के लिए मंदिर को शिफ्ट करने की तैयारी हुई थी। शिवलिंग को हटाने के लिए खुदाई भी हुई। कई दिनों तक इसे खोदा गया, लेकिन कई फीट खुदाई के बाद भी जब उसका सिरा नहीं मिला, तब लोगों ने मान लिया कि भगवान शिव तो अनंत हैं। इसके बाद इस मंदिर को शिफ्ट करने की योजना बदल दी गई और बांध को ही आगे दूसरे स्थान पर बनाना पड़ा। मजदूर द्वारा खुदाई करी तो उनका आकार मतलब अंत नहीं मिला। तब उनने सोचा कि ये बांध बना के एक साइट दूसरी जगह उनने बनवाया। फिर लोगों ने देखा कि जब हमारे बाबा का इतना नीचा ये है तो वो जब से मानने लग गए तो उनकी पूजा पाठ चालू हो गई। यहाँ से महाराज यशवंत सागर ने ये यशवंतराव महाराज ने यशवंत सागर तालाब बनाया। इसके बाद इस मूर्ति को उन्होंने वहाँ स्थापना करने की कोशिश की। ये बहुत खुदाई के बाद भी ये नहीं निकली। यहाँ बहुत बड़ा टीला था, खुदाई के बाद भी ये मूर्ति ने वहाँ स्थापित नहीं हो सकी। उन्होंने फिर यही मंदिर को निर्माण कर दिया। थोड़ा ऊँचा टेक रहा था तो उन्होंने खुदाई की, तो खुदाई करने के बाद उनको पता नहीं चला, उसका आकार बढ़ता गया। आकार बढ़ने के बाद उन्होंने नहीं छोड़ दिया। फिर हम गांव वालों ने क्या करा, इसका चंदा करा, प्राचीन मंदिर हमने अच्छा बनाया इसको। बदरखा गांव में गंभीर नदी के किनारे इस शिवलिंग हटाने के लिए तमाम प्रयास हुए, लेकिन ऐसा ना हो सका। शिवलिंग की पूजा करने वाले सबसे पहले जाट समाज के मांगेलाल ठेकेदार हुए। तब से ही इस मंदिर में पूजा जाट समाज के ही पुजारी करते हैं। वहीं भोले बाबा के मंदिर के एकदम सामने हनुमान जी की चैतन्य मूर्ति है, जहां भक्त पहले हनुमान जी के दर्शन कर शिव बाबा की पूजा करते हैं, क्योंकि यहां शिव भगवान का परिवार विराजमान है। ये 3 पीढ़ी हो गई हमको पूजा करते करते। यहाँ बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है और मूर्ति चैतन्य है। आरती भी रात को होती है, किसी किसी भाग्यशाली को ही सुनाती है। पहले हमारे से पहले मांगीलाल बा ठेकेदार बा करते थे, उसके बाद हमारे काका बालू बा करते थे, जिसके बाद में हमारे पिताजी ने करी और उसके बाद में अब मैं कर रही हूं। पहले यहां हर साल शिवरात्रि पर 3 दिन तक बड़ा मेला लगता था, लेकिन अब साधन होने से मेला तो खत्म हो गया, लेकिन दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। और इसी तरह कोरोना काल की पाबंदियां हटाए जाने के बाद ओंकारेश्वर में शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले में स्थित है। खास रिपोर्ट देखिए। ओंकारेश्वर को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर माना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। कहते हैं कि नर्मदा नदी के 2 धाराओं में बंटने से एक टापू का निर्माण हुआ था, जिसका नाम मानधाता पर्वत पड़ा। इसी पर्वत पर भगवान ओंकारेश्वर महादेव विराजमान हैं। कहते हैं कि जो इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान तप या पूजा करता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कुल 68 तीर्थ हैं और यहां समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। भगवान श्री ओंकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग जो हैं वो स्वयंभू हैं, निराकार हैं। राजा मानदाता राम भगवान दशरथ जी के 10 पीढ़ी पहले के उन्होंने तप किया था। राजा मानदाता ने उनके तप से भगवान स्वयं प्रकट है, जिसमें तीनों का रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों टापू अलग अलग है, ब्रह्मपुरी है, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है। जिस पर्वत पर भगवान ओंकारेश्वर विराजमान है वो पर्वत ओम आकार का, इसलिए उसको ओंकारेश्वर कहा जाता है। नगरी जो है मानदाता है। और महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, महाशिवरात्रि के पर्व पे ऐसा कोई अभी कोई खास प्रतिबंध नहीं है। जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन के लिए, बड़े हर्ष और उल्लास से शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। सावन हो या फिर महाशिवरात्रि, इन पर्वों पर देश ही नहीं बल्कि विश्व भर से
शिव के भक्त ओंकारेश्वर में दर्शन को आते हैं। ओंकारेश्वर में मां नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। यहां आने वाले भक्त सबसे पहले मां नर्मदा में स्नान करते हैं, उसके बाद भगवान शिव के दर्शन उन्हें होते हैं। ओंकारेश्वर के विकास और इसे श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाजनक बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। मैं समझता हूँ कि भोलेनाथ का जो दिन है शिवरात्रि का, वो सभी श्रद्धालु, पिछली बार भी भले ही कोरोना था लेकिन उसके बाद में भी लोगों में जो आस्था है वो आस्था कम नहीं हुई। आस्था को बिल्कुल किसी ने भी ये कोरोना की महामारी में लोगों के विश्वास को डगमगाया नहीं, और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि लोग धूमधाम से माँ शिवरात्रि का पर्व मनाएंगे और अधिक से अधिक लोग भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर को पाने के लिए माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत रखा था। इसी परंपरा के चलते अच्छे वर के लिए कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। कोरोना काल के दौरान लगी पाबंदियों के हटने से इस बार श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। पिछले दो कोविड को देखते हुए किस तरह से महाशिवरात्रि मनाई जाए, इस संबंध में निर्णय हम लोगों ने लिए तथा भव्य रूप से उनका आयोजन किया जाएगा तथा एक मेले का भी आयोजन रहेगा। जो बाकी एक तारीख की शाम को भजन संध्या में शिव स्तुति का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, जिसे भगवान राम के 10 पीढ़ी पूर्व के महाराजा मानधाता के समय का बताया जाता है। कहा जाता है कि राजा मानधाता ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और ओंकारेश्वर में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बंसल न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से शेख रेहान की रिपोर्ट।